नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू चाप। ये आलू चाप बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। इसको मॉर्निंग में बनाइए या इवनिंग में, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको एक स्नैक के रूप में सर्व किया जाता है। तो आप इसको कब बनाते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू चाप बनाने के लिए हमने ले लिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने 2 टेबल स्पून तेल डालकर 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। कटी हुई 2 प्याज, बारीक कटी हुई नहीं डालना है, थोड़ी लंबी साइज में हमने काटा है, मीडियम साइज की थी। 1 हरी मिर्च डालेंगे। ज़्यादा तीखी वाली हम मिर्च नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को खाना रहता है। कड़ी पत्ता डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और कड़ी पत्ता फायदा भी करता है। ये हम 1 शिमला मिर्च डालेंगे। जो बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये आलू चाप है। तो आपके यहाँ जो भी सब्जियाँ हों तो इस तरह से आलू चाप में डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च भर डाला है। अब इसमें हमने डाल दिए हैं मसाले, सब्जी मसाला, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम चाट मसाला डालेंगे, ये होममेड चाट मसाला है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने से जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमने 1/2 किलो आलू को बॉईल कर लिया है, जिसको हमने छील कर मैश कर लिया है। आलू अच्छे से ठंडे हो जाए उसके बाद ही इसको मैश करें, वरना ये चिपचिपा हो जाता है। चिपचिपा हो जाता है तो आलू चाप जो है वो अच्छे नहीं बनते हैं। आप देख सकते हैं कितना सूखा सूखा मसाला है। ऐसे का ही हमको बनाना है। थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसको एक थाली में हमने निकाल लिया है, ये हल्का ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसके नींबू जितना हम गोला बना लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। अभी ये गर्म है, बहुत ही सावधानी से इसके गोले बनाना है। पहले हम गोले बनाकर रख लेंगे तो आलू चाप बहुत ही आसानी से झटपट बन जाते हैं। आप इसको मॉर्निंग में बनाना चाहते हैं तो शाम को ही बनाकर फ्रिज में रख दीजिए, सुबह फ्राई कीजिए बेसन में घोलकर। ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इसको मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ, बच्चे को टिफिन में ले जाना है। ये हमने 1 कप बेसन लिया है, जिसमें मैंने 1/2 चम्मच अजवाइन, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया है। अब इसको हम घोल तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें, इसमें गांठ ना पड़ने पाए। बेसन को हमको अच्छे से फेंटना है, जितना हम फेंटेंगे उतने ही अच्छे हमारे पकौड़े बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ही पानी डालकर इसका घोल तैयार करना है, नहीं तो गांठ पड़ जाएगी। अब इसको हम फेंटेंगे, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये पतला भी हो गया है। परफेक्ट, हमारा बेसन घुल गया है। ज़्यादा पतला करेंगे तो अच्छे से इसमें कोट नहीं होगा। देखिए आलू चाप हमारे कितने बढ़िया बनेंगे, बढ़िया से कोटिंग हो रही है। अब हम तेल को गरम कर लिए हैं, थोड़ा ही तेल डाले हैं। हम जला तेल नहीं यूज करते हैं तो 2 बार में ही जला तेल हम ख़त्म कर देते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ही डालती हूँ। इतने तेल में 4 हमारे आ चुके हैं पकौड़े। ये बहुत ही बढ़िया हमारे आलू चाप बनकर तैयार हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। धीमी आंच में इसको तलना है, बहुत ही आसान है, झटपट बन जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हमारे आलू चाप बनकर तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया फूले फूले बने हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं। अब हम थाली में निकाल लिए हैं, बाकी के भी आलू चाप ऐसे ही बना लेंगे।
इसको आप केचप के साथ या चटनी के साथ खा सकते हैं। इसको मैं घर के केचप के साथ सर्व करूंगी। सारे आलू चाप हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, अब इसको हम सर्व कर देते हैं। ये हमने घर की ही केचप ली है, इसी से हम सर्व करेंगे। हमारे आलू चाप बनकर तैयार हो चुके हैं, खाने के लिए तैयार हैं। आप इस रेसिपी को कब बना रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल अनामिका रसोई किचन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।